Student, today we are going to discuss about the present indefinite tense. Present definite tense क्या होता है? Present definite tense को हम कहाँ यूज करते हैं इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. Indefinite इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें टाइम नहीं दिया होता कि क्या टाइम है. जैसे वो काम करता है लेकिन उसका टाइम क्या है, सुबह है शाम है, ये नहीं हमें पता. प्रेजेंट इसलिए क्योंकि मौजूदा दौर में जो काम हो रहा है ये उसके बारे में हमें बताता है. प्रेजेंट डेफिनेट को उर्दू में जो पहचान है वो ये है, जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते है, आता है, ये जुमले के आखिर में उर्दू में इसकी पहचान है. ठीक है. अब दूसरी चीज में जो इंपॉर्टेंट चीज है जो जेहन में रखनी होती है, जो अक्सर स्टूडेंट जो है ना कंफ्यूज होते हैं, इसमें सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर और प्लूरल, दो किस्म के सब्जेक्ट है. सिंगुलर में नेम, ही, शी, इट आता है, प्लूरल में आई, वी, यू, दे. जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करेंगे तो हम फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस इस्तेमाल करेंगे. फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस. जैसे अगर डू है तो वो डज हो जाएगा, जैसे अगर प्ले है तो वो प्लेज हो जाएगा, एस आ जाएगा, अगर गो है तो वो गोज आ जाएगा. ये हम क्या करेंगे, सिंगुलर के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस इंक्लूड करेंगे. और नेगेटिव बनाना है तो हम डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है. और इंट्रोगेटिव बनाना है तो डज जो है वो जुमले के स्टार्ट में आ जाता है. ठीक है. अब इसकी एग्जांपल हम देखते हैं. वो काम करता है, ही वर्क्स. देखिए आप एस लगा दिया, क्यों, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट की वजह से यहां एस लग गया. देखें जब ये सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस लगेगा. तो सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म प्लस एस लग गया. फिर आगे नेगेटिव बनाना है तो ही डज नॉट वर्क, वो काम नहीं करता. यहां डज लग गया, ये ई एस का एडिशन हो गया. यहां पे जब यहां पे हमने एडिशन कर दिया तो यहां पे नहीं करना, हमने वर्क के साथ नहीं करना क्योंकि अब ये मेन वर्ब ये है हमारा, ये मेन वर्ब है, इसको हमने चेंज करना है, इसके अंदर हमने कुछ ना कुछ एडिशन करना है. फिर इसी मेन वर्ब को जब हम सामने स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस ले आते हैं, डज ही वर्क, क्या वो काम करता है. तो ये कंस्ट्रक्शन है सिंपल प्रेजेंट डेफिनेट सिंगुलर की. अगर हम प्लूरल की तरफ आते हैं तो ये हम आ गया, हम क्रिकेट खेलते हैं, हम, वी प्ले क्रिकेट. अब यहां प्ले के साथ मैंने एस या ई एस ही लगाया, क्यों, रूल क्या है कि प्लूरल आई, वी, यू, दे, इनके साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगेगी. ठीक है. इनके साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगेगी और कोई एडिशन नहीं होगा. तो वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं. वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, ये डू नॉट नेगेटिव बनाने के लिए यूज होता है. देखिए यहां पे डू लगा, डज नहीं लगा, क्यों, प्लूरल है ये, इसके प्लूरल होने की वजह से यहां पे डू लगा, डू के साथ नॉट लग गया, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट. अब डू और डज के बाद याद रखिएगा कि हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है. जैसे यहां पे डज के बाद वर्क आया, डू के बाद प्ले आ गया. फिर इसी डू को अगर हम स्टार्ट ऑफ सेंटेंस ले आए, डू वी प्ले क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेलते हैं, तो ये इसका इंट्रोगेटिव जुमला बन जाता है. तो ये एक सिंपल कंस्ट्रक्शन है. अगर आप इसको सब्जेक्ट की मदद से समझने की कोशिश करेंगे कि सिंगुलर प्लूरल है और सिंगुलर के साथ क्या, मैंने मैप बना दिया पूरा सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ, तो अगर इसको आप इस तरह समझने की कोशिश करेंगे तो ये आपको आसान होगा और समझना भी आसान होगा. और इसका यूज कहाँ है, यूज क्या, जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ हैं आपके, टू एंड टू मेक्स फोर, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये सारे यूनिवर्सल ट्रूथ हैं. इसके अलावा आपकी डेली रूटीन होती है, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये सारी डेली रूटीन जो आप बयान करते हैं वो सारी प्रेजेंट इनडेफिनेट में होती है. थैंक यू.
ये वाक्या पास्ट में हुआ है। अच्छा वर्ब का फंक्शन क्या होता है? ये वर्ब है जैसे ये सेकंड फॉर्म है, वर्ब का फंक्शन यही होता है कि वो आपको टेंस के बारे में बताता है कि वो प्रेजेंट में है, वो पास्ट में है या फ्यूचर में है। ये वर्ब का फंक्शन होता है। और यहां वर्ब का फंक्शन प्ले कर रहा है पास्ट का। सेकंड वन देखिए, असलम डिड नॉट ईट फूड। अब ये नेगेटिव बनाने के लिए हमने ये रूल भी यूज किया है, यूज डिड नॉट फॉर नेगेटिव। नेगेटिव के लिए हमने डिड नॉट यूज किया है। और याद रखिएगा ऑलवेज कम फर्स्ट फॉर्म आफ्टर डिड, डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है क्योंकि मेन वर्ब ये है डिड। इसको हम चेंज करेंगे, ईट को चेंज नहीं करेंगे। फिर ये डिड जो है इनका मेन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस। डिड असलम ईट फूड या असलम खान, असलम ने खाना खाया। अब ये इंट्रोगेटिव बनाने के लिए व्हेन वी यूज इंट्रोगेटिव तो डिड कम इन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस। अभी जल्दी देख लें रूल्स भी मैंने इसको बताया, डिड कम इन द स्टार्ट ऑफ सेंटेंस फॉर इंट्रोगेटिव और ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म आफ्टर डिड। अब ये हम इसको प्लूरल सेंस में भी लेते हैं, वो सोए, इसका मतलब ज्यादा लोग हैं। दे स्लेप्ट, दे स्लेप्ट वो सोए, ये सेकंड फॉर्म आ गए। दे डिड नॉट स्लीप वो नहीं सोए। डेट लगाया, डेट के बाद हमने क्या लगाई फर्स्ट फॉर्म लगानी, याद रखना हमेशा डेट के बाद ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म आफ्टर डेट। इसी डेट को उठा के सिंपल इंट्रोगेटिव के लिए इसी डेट को हमने उठा के इन द स्टार्ट ऑफ सेंटेंस में ले आए, डेट द स्लीप क्या वो सोए। और ये थोड़े जनरल रूल्स हैं इसके, अगर आप जनरल रूल्स को यू कीप दीस जनरल रूल्स इन योर माइंड देन इट विल बी इजी टू कंस्ट्रक्ट दी सेंटेंसेस इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एक छोटी सी चीज और बताता हूं, अक्सर लोग गलती करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में भी दो चीजें होती हैं, बाजे वाक्यात हमारी जिंदगी में अभी रिसेंटली हुए होते हैं और बाजे वाक्यात बहुत पुराने होते हैं बचपन में। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, आई यूज्ड टू प्ले विद बॉल, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, आई यूज्ड टू गो टू द जू। तो जब इतना पुराना वाक्य हो जो आपकी जिंदगी के हिस्से में हुआ हो तो वहां पे आपने वाज वर्ब या यूज करना बल्कि यूज्ड टू का इस्तेमाल होता है। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, she used to play with doll when she was 2 year old। तो जब बहुत पुराना वाक्य है किसी दौर में हुआ है तो या किसी दौर में आपने काम किया है तो उसके लिए फिर आप used to use करें। Thanks. Well, assalam alaikum. My name is Shoaib Qureshi, Light School, Almiraj campus. Today we are going to discuss about future indefinite tense. Future indefinite tense क्या होता है और ये कहाँ use होता है? Future कहते हैं वो काम जो आने वाले वक्त में होगा उसको हम फ्यूचर कहते हैं। और ये टेंस हम यूज क्या करते हैं, जब आने वाले काम के बारे में हम कोई प्रेडिक्शंस करते हैं कि इस साल 2023 में ये होगा, इस वक्त तो जब हम मरी जाएंगे तो ये काम करेंगे। तो जब हम किसी भी फ्यूचर के बारे में बात करते हैं तो हम इस फ्यूचर डेफिनेट टेंस को यूज करते हैं। फर्स्ट देखिए द आइडेंटिफिकेशन, इन उर्दू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर डेफिनेट टेंस इस जुमले के आखिर में गा गे गी आता है, यानी कि जुमला जो एंड होता है वो गा गे गी में आता है। और जैसे देखिए मैं अजायब घर जाऊंगा, ये गा पे एंड हो रहा है, ये इसकी उर्दू में आइडेंटिफिकेशन है जो कि हमें पता होनी चाहिए। रूल्स वेरी सिंपल है। द फर्स्ट रूल इज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन फ्यूचर डेफिनेट टेंस। एग्जांपल मैंने दी है आई शैल गो टू म्यूजियम, मैं म्यूजियम जाऊंगा। गो देखिए ये फर्स्ट फॉर्म है, इसको मैं लिखता हूं बी फर्स्ट से। हमेशा फ्यूचर डेफिनिट टेंस में विल यूज करें या शैल यूज करें आपने हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। फिर सेकंड रूल देखें विल और शैल यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब, इस पे जो दो हेल्पिंग वर्ब है वो विल और शैल है फ्यूचर डेफिनिट में। हमें पता है आई एम गोइंग के साथ हम शैल यूज करते हैं, बाकी सब के साथ हम विल यूज करते हैं। तो यहां आई यूज हुआ है तो आई के साथ हमने शैल यूज किया। इसको नेगेटिव बनाने का सिंपल तरीका है विल नॉट और शैल नॉट इज यूज्ड फॉर नेगेटिव। आई शैल नॉट गो टू म्यूजियम, मैं म्यूजियम नहीं जाऊंगा। याद रखिएगा हमेशा जो ये नॉट होता है ये हेल्पिंग वर्ब के बिल्कुल साथ आता है इन केस ऑफ नेगेटिव। एंड दिस हेल्पिंग वर्ब विल कम इन द स्टार्ट ऑफ सेंटेंस। इसी हेल्पिंग वर्ब को अगर स्टार्ट ऑफ सेंटेंस में ले आए तो ये इंट्रोगेटिव जुमला बन जाता है। जैसे शैल आई गो टू म्यूजियम, क्या मैं म्यूजियम जाऊंगा। तो दीज आर द वेरी सिंपल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। लेट अस सी अनदर एग्जांपल, वो कपड़े धोएगी, वो कपड़े धोएगी।
शी विल वॉश फॉर, ये देखिए आपका, ये आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया, विल आ गया, ये आपकी मेन वर्ब आ गया और ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। सेम अगर इसको नेगेटिव फॉर्म में करना हो, शी विल नॉट वॉश, क्या वो कपड़े धोएगी, एंड दिस इज अ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कि ये इंट्रोगेटिव होता है, इसकी सॉरी साइन इंट्रोगेटिव साइन आ जाएगा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन आ जाएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव जुमला है। इस पैटर्न को आप दोबारा एक दफा देख लें, वेरी सिंपल पैटर्न। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लेके आते हैं, फिर हम हेल्पिंग वर्ब को लेके आते हैं, फिर मेन वर्ब आता है और फिर बाद में जो हम हमने जाना है, जो काम करना है वो उसको हम मेंशन करते हैं। फिर उसके बाद होता है सब हेल्पिंग वर्ब के साथ not with helping verb to make a negative sentence and helping verb come in the start of sentence for interrogative. Same is the case with this sentence, wo kapde dhoegi, she will wash the clothes, she will not wash the clothes, will she wash the clothes. Is tarah is jumle ka ek pattern chalta raha, is pattern ko if you follow this pattern it will be very easy to understand and to construct.